कवर्धा जिला के पूर्व विधानसभा क्षेत्र ग्राम वीरेंद्र नगर से जोगी रथ को हरी झंडी दिखाई गई है। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने जोगी कांग्रेस की सदस्यता ली है। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू रीता जोगी ने कहा कि हमारी जोगी कांग्रेस की विधायक बनती है तो वीरेंद्र नगर में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की जाएगी, हॉस्पिटल, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोले जाएंगे। इस सभा में मौजूद थे और मुझे यानी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जन समर्थन है और लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। और बात में हम सिर्फ अपने शपथ पत्र को बता रहे हैं और हम एक सार्थक बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो बजट है उस इतने विशाल बजट के बावजूद भी हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनता है आज भी गरीब, आज भी आवास नहीं है, आज भी 350 रुपया ही पेंशन है, शराबबंदी नहीं हुई है, बिजली बिल माफ नहीं हुआ है या आधा नहीं हुआ है, पढ़ करके अपन पास में रखे। और यही मैं निवेदन करता हूँ सबसे पहले कि ये जो शपथ पत्र है इला कागज बस मत समझिया, इला पढ़ करके और इला समझे के कोशिश करी है। और मैं भी ये शपथ पत्र ही थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, एमा जो लिखाए है वो तो लिखाए लेकिन ये कैसे हो ही तेला मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा दीदी मन, दाई मन, भाई मन, सियान मन, हमर शिक्षित युवा साथी मन, आप सबसे सबसे पहले सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर राज्य के पास में पैसा होते है राज्य न चलाए बार बजट बोले जाते वाला, तो हमारे छत्तीसगढ़ के कतका बजट हो ही अपना आप बता सकते हो का? अपना अगर कोई लगे मालूम है तो कोई भी उठ करके अगर बताना चाहते हो तो बताओ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो बजट है वो कतका होगी।